नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सी एन यू चैनल में स्वागत है। आज आपको एक ऐसे महाराज जी से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है रामलला सरकार जी, और आज मुंबई में हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, भक्ति भाव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, परमात्मा को अगर पाना है तो इंसान को क्या करना चाहिए, परमात्मा में लीन होना है तो इंसान को किस मार्ग पे चलना चाहिए, ये जानने की कोशिश करेंगे रामलला सरकार जी से। क्या करना चाहेंगे जी? समस्त भारत माता के चैतन्य पुत्रों को मेरा कोट कोट वंदन प्रणाम। बहुत सुंदर आपका प्रश्न, सत्यता ऐसा ही प्रश्न समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए होना चाहिए। भगवान को अगर जानना है तो क्या करना चाहिए, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। मैं थोड़ा गुनगुना के आपको सुना सकता? जरूर जरूर जी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। परमात्मा को अगर पाना है तो सबसे पहले सहज बनना होगा, सरल बनना होगा, लघु बनना होगा, दीनहीन बनना होगा। अगर परमात्मा को पाना है तो सहज बनना होगा। सरलता को धारण करने वाला जीव परमात्मा को आसानी से जान सकता है, क्योंकि परमात्मा का ही कथन है पावन श्री रामचरितमानस में। कवि कुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी बहुत सुंदर मंत्र लिखे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर मनुष्य, यह चैतन्य मनुष्य परमात्मा का अंशा जीव, अगर अपने जीवन से छल और कपट मिटा दे, इससे दूर हो जाए, अहंकार से दूर हो जाए, तो परमात्मा तो सबके पास हैं। तुझमें राम, मुझमें राम, सब में राम समाया। बस सहजता का सरलता का संकल्प ले ले तो परमात्मा दूर नहीं है जी। राम भगवान ने कई उपदेश दिए हैं, कृष्ण भगवान ने कई उपदेश दिए, लेकिन इस कलयुग में जी कोई मानने को तैयार नहीं, क्या कहे जी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस कलकाल में सत्य को धारण करने वाले अभी बहुत हैं, लेकिन कलयुग का प्रभाव तो दिखता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सच बात तो यही है, सत्यता को धारण करते हुए जीवन को जीना चाहिए, और जीवन का मूलतः उद्देश्य लक्ष्य यही है, परमात्मा का नाम स्मरण करते रहना चाहिए और समस्त मानव में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। जो चेतन है, अभी तो हमारा धर्म कहता है, सनातन धर्म कहता है कि जड़ की भी पूजा करनी चाहिए। चैतन्य की पूजा तो होती ही होती है, जड़ की भी पूजा होती है। चैतन्य जीव में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। जब व्यक्ति इस तरीके का आचरण करने लग जाता है और विश्वास करने लग जाता है, समस्त जीवों में परमात्मा को देखने लग जाता है, परमात्मा बड़े सहजता से सरलता से जीव को प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, दूर से किसी इंसान को देखते हैं, उनके पास गाड़ी मोटर बंगला हर चीज़ है, बहुत पैसे हैं, लेकिन फिर भी परेशान है, उनके मन में शांति नहीं है, क्या कहेंगे जी? इसका मूलतः कारण है अविश्वास। जो व्यक्ति सब कुछ पाके कुछ नहीं पाया दिखता है, जैसे कि आज के समय में जीव साधन के तरफ अग्रसर है, साध्य के तरफ नहीं है। साध्य है पूर्ण परमात्मा श्री राम, और साधन है सांसारिक माया रूपी ये साधन। अगर परमात्मा को जानना है, जीवन में शांति ग्रहण करना है, लाना है, तो साधन से दूर होना पड़ेगा, साध्य की तरफ मुड़ना पड़ेगा, तभी जीवन में शांति आएगी। और सत्य बात तो यही है कि जीव सब कुछ पाके कुछ नहीं पाया दिखता तब है जब वो भूल जाता है अपने मूलतः स्वरूप को। ये एक लाइन में कुछ गुनगुनाता हूँ। जो इच्छा करी है मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी है मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इस सृष्टि में ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो परमात्मा की कृपा से पूर्ण न हो, लेकिन इच्छा ऐसी करनी चाहिए जिससे राष्ट्र का कल्याण हो,
विश्व का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, अपना कल्याण हो। जहाँ स्वार्थ का खंडन हो जाता है, स्वार्थ मिट जाता है, परमार्थ की भावना जग जाती है, वहीं ईश्वर की प्राप्ति होती है। सत्यता अगर मानवता को मानव बचा के रखे, मानवता को दर्शाते हुए जीवन जिए, तो परमात्मा दूर नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए सुगम रास्ता है दृढ़ता, सत्यता, लघुता, सरलता, विनम्रता। और जिसके जीवन में विनम्रता आ गई, लघुता आ गई, सहजता आ गई, समझ लीजिए कि परमात्मा दूर नहीं है जी। अच्छा, सत्य के मार्ग पे चलने वाले ज़्यादा परेशान क्यों हैं आज के जमाने जी? सत्य बात तो यही है कि जो सत्य मार्ग में चलता है उसकी बहुत परीक्षा होती है, और जो असत्य मार्ग पे चलता है उसकी कोई परीक्षा नहीं होती। एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा शिष्य हमेशा परीक्षा दे के ही आगे बढ़ता है। परमात्मा पहले परीक्षा लेते हैं कि पात्र ठीक है नहीं, इस पात्र में अमृत डाला जा सकता है कि नहीं। इसीलिए भगवान परीक्षा लेते हैं। जो निराश हो जाते हैं, जिनका जीवन निराशा में दिखता है, उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी कष्ट आए, ऐसा लगे कि मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट आ रहा है, परमात्मा के श्री चरणों को पाने के बाद भी कष्ट दिखाई दे, तो समझ लेना परमात्मा अपने हृदय से लगाने वाले हैं। इसलिए कभी जीवन में निराशा को निमंत्रण नहीं देना है, आशा की ज्योति प्रज्वलित करना है। और जो निराशा में बात करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि परमात्मा आपसे दूर नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे हृदय में वास करता हूं। इसलिए ऐसा जानना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए कि मेरा राम हर समय हमारे साथ है। निराशा को कभी नहीं लाना चाहिए, आशा की ज्योति प्रज्वलित करते हुए जीवन को जीना चाहिए। और इस सृष्टि में जो भी आया है वो परमात्मा के श्री चरणों की कृपा से अपने अपने भाग्य को, कर्म को लेके जीता है। लेकिन सब कुछ पाने के लिए एक विशेष बात ध्यान देना है, छल कपट त्याग दो, सब कुछ मिल जाएगा। जो इच्छा करी है मनमाही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाहीं। इस सृष्टि में ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो पूरी न हो, पूर्ण न हो, लेकिन पूर्ण तभी होगी जब परमार्थमय इच्छा रखोगे। स्वार्थमय इच्छा रखने से कभी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, परमार्थमय रखो। ईश्वर हर एक जगह है, और उपनिषद का यह मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यांग जगत। इस सृष्टि में परमात्मा की अनुभूति कणकण में है, जगह जगह में है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सभी का आदर करना चाहिए, और सभी को सम्मान देना चाहिए, सभी को स्नेह प्यार देना चाहिए। पूरे सृष्टि के मानव परमात्मा की संतान है, हम सब एक हैं। एकता का परिचय देते हुए, मानवता का परिचय देते हुए हम सबको जीवन जीना चाहिए। जय श्री राम लला सरकार। आपको देश विदेश में हर कोई देख रहा है CNU चैनल के माध्यम से, अपने भक्तों के लिए क्या कहना चाहिए? समस्त भक्तों को, श्री राम भक्तों को, सनातन पुत्रों को मेरा कोट कोट वंदन प्रणाम। मैं यही कहना चाहूँगा कि क्षणभंगुरा जीवन है, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। जीवन को साधने की कोशिश करें, जीवन को परमात्मा के श्री चरणों में लगाने की कोशिश करें। और हमें तो ऐसा लगता है कि कभी कभी हम लोग अपने परम पथ से भटकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सत्य बात तो यही है कि परमात्मा कहते हैं कि तुम मुझे एक बार याद करोगे तो मैं तुमको सहस्त्र बार याद करूँगा। और परमात्मा को अगर जीव भूल जाता है तो परमात्मा कहते हैं कि हो सकता है कि मैं तुम्हें भी भूल चुका हूँ या भूल रहा हूँ। परमात्मा को निरंतर याद रखो। विपदो नयम विपदा, संपदो नयम संपदा। विपत्ति और संपत्ति क्या है, इस विषय को लेके जाने। सबसे बड़ी विपत्ति तब है जब भगवान का नाम स्मरण जीव भूल जाता है। सबसे बड़ी संपत्ति तब है जब भगवान को जीव निरंतर याद रखता है। सत्य बात तो यही है कि जीवन को अच्छे तरीके से जीना है तो सत्य सनातन धर्म के अगाधता को लेके जीना ही होगा जी। एक आपके अंदाज में एक मधुर वाणी आपके मुख से भक्तों के लिए जी, बहुत सुंदर, अवश्य सुनाऊंगा। मन बा राम नाम तू गाले गाले, राम नाम तू गाले। मन रे कृष्ण नाम तू गाले, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। छड़ भंगुरा विषय विकारा, छड़ भंगुरा विषय विकारा। रे मन मूरख क्यों भरवाया,
रे मन मूरख क्यों भरे माया मन रे कृष्ण नाम तू गाले गाले राम नाम तू गाले राम 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 जय जय राम 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 सीता राम राम राम। CNU चैनल के माध्यम से रामलला सरकार जी के मुख्यवाणी से आप सुन रहे थे कि किस तरह भगवान की लीला है और भक्तों के लिए उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए हैं। तो देखते रहिए CNU पर रामलला सरकार जी को और बार बार आपको CNU चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNU मुंबई। जय श्री CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।